बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से शिकायत करेगी। ये दावा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया है। पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूँ, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पहली बार इस मंच में बता रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के ये बोल भाजपा के लिए गले की फांस बन गए हैं। दरअसल इंदौर में आयोजित हुए किसान सम्मेलन के दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मजाकिया लहजे में कहा था कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी। पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूँ, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पहली बार इस मंच में बता रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं। कैलाश के इस बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर आक्रमण हो गया। दिग्विजय सिंह के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस कैलाश के इस बयान को आधार बनाकर शिवराज सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से मांग करेगी। बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक करोड़ों रुपए विधायकों को देकर प्रजातंत्र का गला घोटा है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाजपा ने षड्यंत्र पूर्ण तरीके से और करोड़ों रुपए विधायकों को देकर उन्हें खरीद कर प्रजातंत्र का गला घोटा है और आज उनका महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पुष्टि कर रहा है। तो कांग्रेस जो कहती है वो सच कहती है, गलत नहीं कहती, और ये संविधान के खिलाफ है। और हम तो राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि आप सरकार को भंग करिए। राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है, जब उनका महासचिव इस तरह कह रहा है, जी को आधार मान के हम तो कोर्ट में जाएंगे। सबसे बड़े सरगना है और इसकी बात इनके कैलाश विजयवर्गीय जी ने सिद्ध करी है कि सबसे बड़े सरगना उसके ये थे और इनसे बड़े नरेंद्र मोदी जी थे। सत्ता पैसे के दम पे किसी को पार्टी में ज्वाइन करा सकते हो पर वोट नहीं दिला सकते, जनता जवाब देगी। बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। वही बवाल बढ़ता देख गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैलाश विजयवर्गीय के बचाव में कूदे हैं। वो स्वयं भी बोले कि ये हास्य विनोद था, उन्होंने बाद में कहा इसको। मैं स्वयं भी मंच पर था, उनका पूरा अंदाज वही था जो उन्होंने बोला है। भले ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान मजाक में दिया हो लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी पर जुबानी हमला बोलने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।